सुख संपन्नता का मोहताज नहीं हो सकता। पैसों से रोटी खरीदी जा सकती है पर भूख नहीं खरीदी जा सकती। ये सोचते पैसे वाले कि सामने वाला बहुत पैसे वाला है, बहुत वैभवी है, तो बड़े ठाट से जीता होगा, उसको पूछो तो उसकी नींद हराम, गोली के बिना नींद नहीं आती, कम से कम आपको आती तो है। राम सुखदास जी के साथ एक बहुत बड़ा उद्योगपति कलकत्ते का जा रहा था, तो वो जिस गाड़ी में जा रहे थे उसने बहुत हॉर्न बजाए और फुटपाथ पर एक आदमी सो रहा था। मजदूर होगा, सुबह से बेचारे ने मजदूरी की होगी, थक गया होगा, तो बड़ी आराम से शांति से नींद ले रहा था। तो उसने ट्राव ट्राव करके हॉर्न बजाया, तो उसने सुना नहीं, तो ड्राइवर उतर कर उसको हिला कर बोलने लगा कि हमारी गाड़ी निकलनी है, आप रास्ते से उठो। तो उद्योगपति ने राम सुखदास जी को बोला कि महाराज, इसको देखकर मुझे एक विचार आ रहा है। बोले क्या? बोले कितना चैन से सो रहा है, निगोड़ी नींद, हम गोलियां लेकर भी निगोड़ी नींद हमको नहीं आती, और इसको कान में हम भोपू बजा रहे तो इसकी नींद नहीं टूटती, कितना सुखी आदमी है। तो उस उद्योगपति के लिए शायद वो ज्यादा सुखी था जिसको नींद आती है। तो भूख और नींद दोनों कभी भी पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। आपको भूख लगती है, आप सुखी हो। आपको नींद आती है, सबसे सुखी हो। ऐसा सोना किस काम का जो सोना हराम करते।